मनोरंजन की हर खबर फटाफट अंदाज में। एक कार्यक्रम के दौरान अक्षय कुमार ने बोलते हुए कहा कि द कश्मीर फाइल्स ने उनकी फिल्म को डुबो दिया। जी हाँ, अभिनेता ने कहा कि फिल्म ने कड़वे सच को सामने लाया है। विवेक अग्निहोत्री जी ने कश्मीर फाइल्स बनाकर हमारे देश के एक बहुत बड़े दर्दनाक सच को सामने रखा है। ये फिल्म एक ऐसी लहर बनकर आई जिसने हम सबको झंझोर कर रख दिया। इसके बाद अक्षय कुमार ने मुस्कुराते हुए ये भी कहा कि बच्चन पांडे की बात करें तो हाँ, ये बात अलग है कि इस फिल्म ने मेरी फिल्म को डुबो दिया। सुहाना खान बॉलीवुड में कदम रखने से पहले पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। इन दिनों वो अपनी डेब्यू फिल्म की तैयारी में जुटी हैं। इससे पहले सुहाना खान ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी ग्लैमरस तस्वीर शेयर की जिसके बाद फैंस उनके दीवाने हो गए। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले सुहाना खान ने एक बोल्ड फोटोशूट करवाया है जिसकी झलक किंग खान की लाडली ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। तापसी पन्नू ने द कश्मीर फाइल्स पर दिल खोल कर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि वो आखिर में फिल्म के कलेक्शन के नंबर देख रही हैं जो कि शानदार है। फिल्म की सफलता के पीछे क्या कारण है, इतनी छोटी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसे कमाल कर रही है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। तापसी ने यह भी कहा कि अगर द कश्मीर फाइल्स जैसी छोटी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती है तो फिर क्या कहने। फिल्म RRR के कलेक्शन के शुरुआती रुझानों के हिसाब से इस फिल्म के हिंदी संस्करण ने 83, तानाजी और गुड न्यूज के पहले दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन फिल्म के हिंदी संस्करण की कमाई फिल्म बाहुबली 2 के कलेक्शन से बहुत दूर है। हिंदी और तेलुगु से इतर भारतीय भाषाओं में रिलीज हुए संस्करणों की भी कुल कमाई 30 करोड़ रुपए तक नहीं पहुंचती दिखती। यानी RRR नहीं तोड़ पा रही है बाहुबली 2 का ओपनिंग रिकॉर्ड। एक्ट्रेस सनी लियोनी अपने ग्लैमरस और हॉट अंदाज के लिए हमेशा जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर वो खासा एक्टिव भी रहती हैं। एक्ट्रेस अपने काम के साथ पर्सनल लाइफ से जुड़ी चीजों को भी फैंस के साथ शेयर करती हैं। इस समय वो मालदीव में अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं और लगातार सोशल मीडिया पर ढेरों पोस्ट भी डाल रही हैं। एक बार फिर से सनी अपने ग्लैमरस अवतार में नजर आई हैं और अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम में रेड बिकनी के साथ उन्होंने वीडियो शेयर किया है। इसके साथ ही कैप्शन में फैंस से सवाल भी किया है। ढेरों फैंस उनकी ये पोस्ट पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पठान के लिए स्पेन में शेड्यूल में शूटिंग कर रही हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्टिव भी रहती हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ किरदारों की बनाई आर्ट को साझा किया है। दीपिका द्वारा इन तस्वीरों में बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में निभाए गए किरदारों के रूप में फैंस द्वारा बनाई गई आर्ट की झलक दिखाई पड़ रही है। इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर उन्होंने शेयर किया और लिखा, मुझे गोल्ड मिल गया। दीपिका की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और ढेरों कमेंट्स भी उनके फैंस दे रहे हैं। हीरोपंती 2 का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर जब से रिलीज किया गया है तभी से इसके गाने की झलक के लिए फैंस बेकरार हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर इस फिल्म का पहला गाना दफा कर रिलीज किया गया। इस गाने में टाइगर श्रॉफ सिंहासन पर बैठे हैं, जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। वहीं तारा सुतारिया भी अपनी नखरीली अदाओं से दर्शकों को दीवाना बना रही हैं। ये गाना रिलीज होते ही वायरल हो गया और दर्शकों के बीच खासा पसंद भी किया जा रहा है। एक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान ने अपने मरने की झूठी खबरों पर न सिर्फ नाराजगी जताई है बल्कि इस तरह की अफवाहों को बेहद खतरनाक भी बताया है। उन्होंने बताया कि ऐसी गलत खबरें उनके परिवार और दोस्तों को मिली जिससे वो बेहद परेशान हुए। दरअसल ये दूसरी बार है जब बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान को लेकर ऐसी झूठी खबरें उड़ाई गई हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक कार एक्सीडेंट में एक्टर की मौत हो गई थी और इस खबर को झूठा बताकर खुद एक्टर सामने आए और बेहद नाराज भी हुए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।